वालेकुम, मैं हूँ रफ़ी बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ी बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि हम जो है ना नाज़िम जोखियो कत्ल केस के बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। तो वो कहते हैं ना कि जैसे जालिम मटेरा जीत गया, आज गुरबत जो है ना वो हार गई, कुछ ऐसा ही इस केस में भी होता अब नज़र आ रहा है। तो गुज़श्ता रोज़ उसके जो है नाज़िम जोखियो के भाई अफजल जोखियो ने बयान जो है ना वो रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें कहा गया है कि जाम करीम जो है का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है ना एक वीक पॉइंट है केस के अंदर। हालांकि इन्होंने ही दरख्वास्त दी थी इलाका मजिस्ट्रेट को, जिसमें मुदई ने बयान दिया था कि ना जाम करीम जो है वो भी मुलव्वस है इस एफआईआर में और इस कत्ल में। और जाम करीम, आपको याद ही होगा कि ये जाम उवैस का भाई है और ये MNA है, तो ये नामजद हो गया तरमीम बयान के अंदर। अब मौजूदा जो बयान आया है मुदई अफजल जोखियो का, जो कि भाई है मकतूल नाज़िम जोखियो का, उसमें उन्होंने कहा है कि इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और इसने मुझे कसम दे दी है कि ये उसमें मुलव्वस नहीं है। तो ये केस के अंदर बड़ा नुकसान होगा कि मुदई अपने बयान से मुनरफ हो रहा है। तो लगता ऐसा है कि जो पिछली वीडियोज में मैंने आपको बताया कि उसको धमकियाँ मिल रही हैं और उनके वकला को भी धमकियां मिल रही हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है और सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है, ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। क्योंकि अगर जाम करीम उसमें मुलव्वस नहीं था तो इनको चाहिए था कि जो अगर वो दरख्वास्त पहले ना देते। अगर ये दरख्वास्त इन्होंने इलाका मजिस्ट्रेट को दी थी और वो नामजद भी हो गया था मुकदमे में, तो फिर इनको बयान देने की ज़रूरत क्या थी। वो तो जो एजेंसियाँ हैं, तहकीकती एजेंसियाँ हैं, पुलिस हैं, वो इन तहकीकात करती। अगर उसमें वो बेगुनाह हो जाता तो अलग मैटर था, लेकिन मुदई का ये बयान देना कि वो मुलव्वस नहीं और उसका नाम खारिज किया जाए, तो ये केस को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। और लगता यही है कि पैसा जीत गया है, हैसियत जीत गई है, वडेरा जीत गया है और गुरबत हार गई है, और मकतूल जो है ना वो नाज़िम का कत्ल जो है ना वो लगता ऐसा है कि एक मसलियत और सुलह और धमकियों के नीचे दब रहा है। क्योंकि इस बयान के बाद जो नाज़िम जोखियो की बेवा है उसका बयान आया है और उसने इस बयान पे जो है ना वो तहफ़ुज़ात का इजहार किया है और उसने कहा है कि ये बयान सही नहीं है और उसने कहा है कि जाम करीम मेरे खामन के जुर्म में मुलव्वस है और मेरे खामन के कत्ल में मुलव्वस है और वो मेरा गुनाहगार है और उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगी और मैं कभी उसको माफ़ नहीं करूँगी। ये उसका बयान आना, ये नज़र ऐसे आता है कि जो ख़ानदान के अंदर है उसके अंदर भी अब थोड़ी जो है ना मुखालफी ने तकसीम कर दी है, जो कि ये एक केस के मामले में और उस ख़ानदान की मुस्तकबिल के मामले में कोई अच्छा शगुन नहीं है। तो बहरहाल NGOs की तमाम तर जो है ना हमदर्दियों और कार्रवाइयों के बाद